सो भाईजान वापस आ चुके हैं एक बहुत बड़े धमाके के साथ, यानी कि टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है। एंड देखो ट्रेलर वाकई में बहुत ज्यादा दमदार है, देख के काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हो तुम, मतलब मैं भी बहुत इंप्रेस हो गया, तुम भी बहुत इंप्रेस हो गए। बात अलग है कि तुम अगर सलमान खान के हेटर हो तो तुम्हें ट्रेलर पसंद ना आया हो। खैर तुम्हें ये वीडियो बहुत लेट देखने को मिलेगी क्योंकि जो माइक है मेरा ये पहली बार मैंने धोखा दे दिया था, तो 20 मिनट का मैंने जो टेक लिया वो बर्बाद हो गया और अब ये दोबारा टेक दे रहा हूँ मैं। फिलहाल इस ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में से इसका जो सिनेमेटोग्राफी है और इसके विजुअल्स हैं, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इस ट्रेलर के एक्शन से तुम्हारा ध्यान हटा के इसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी की तरफ ले जाते हैं। काफी सही काम किया इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर ने, साथ ही साथ इस मूवी का वीएफएक्स भी बहुत शानदार है। तुम इस सीक्वेंस को देख लो एग्जांपल के लिए, और ऐसी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब वैसे तो सबसे पहले स्टोरी डिस्कस कर लेनी चाहिए, पर स्टोरी तुम्हें पता होगी मुझे भी पता है, तो स्टोरी डिस्कस करके ना मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना टाइम वेस्ट करूंगा, तो सीधा अपन पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले इस मूवी के विजुअल्स की बात करें तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगे इस मूवी के विजुअल्स। अब आई नो कि एक एक्शन मूवी है लेकिन इसके एक्शन के साथ इसके विजुअल्स भी बहुत ज्यादा अपीलिंग है। अब इससे पहले जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की मूवी आ रखी है उन सभी मूवीज को एक्शन डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, खाली इस मूवी को छोड़ के। टाइगर 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं मनीष शर्मा, जिन्होंने अब तक कोई फुल फ्लेज्ड एक्शन मूवी डायरेक्ट नहीं किया है। और अगर तुम इनका डायरेक्शन देखना चाहते हो तो तुम 2017 की फैन मूवी देख सकते हो, हालांकि वो मूवी कोई एक्शन मूवी नहीं है लेकिन कुछ सीक्वेंसेस है एक्शन की जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसके साथ साथ जब तुम फैन मूवी देखोगे तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि भाई मनीष शर्मा जो है वो अपनी मूवी के अंदर कलर्स फ्लेयर और नियॉन लाइट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और स्क्रीन के अंदर वो चीजें निखर के सामने आती है। एंड वही जादू तुमको टाइगर 3 के ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां तुम एग्जांपल के लिए ये वाला शॉट ले लो, ट्रेलर का ओपनिंग शॉट देखने के लिए कितना ज्यादा आई प्लेजिंग लग रहा है। एंड इसी के साथ बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं ट्रेलर के अंदर जो कि तुम्हारा ध्यान खींच लेते हैं। अब ये एक एक्शन मूवी है तो इसके एक्शन के ऊपर बात ना करें तो वो नाइंसाफी हो जाएगी। तो इस मूवी के अंदर एक्शन पीसेस भर भर के बनाए गए थे इसके शूटिंग के दौरान, बट आप में से कई सारे लोग मोस्ट प्रोबेबली इस ब्रिज वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए एक्साइटेड होंगे क्योंकि वाकई में काफी शानदार और ग्रैंड दिखने को मिल रहा है अभी ट्रेलर में जितना भी हम लोगों ने देखा। लेकिन तुम्हें पता है मैं किस एक्शन सीक्वेंस के लिए एक्साइटेड हूं? नहीं पता, मैं बताता हूं भाई, मैं इस कैटरीना कैफ के टावल वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए एक्साइटेड हूं। अरे भाई अब कुछ सोच के ही डायरेक्टर ने मूवी में डाला होगा, भाई हम जैसे ऑडियंस के लिए तो अपन नहीं देखेंगे क्या? वैसे मजाक से हटके यहां पे कैटरीना कैफ की थाइस बड़ी सेक्सी। खैर वापस अगर ब्रिज वाले एक्शन सीक्वेंस पे आए तो ये वाला एक्शन सीक्वेंस काफी लंबा चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल के पहले या इंटरवल के बाद आएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिल रही है, जैसे कि ये बाइक चेस वाली फाइट है यहाँ पे, ये वाला सीन देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सोल्जर जो है वो सलमान खान के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, वो वाला सीन टीजर में दिखा था। एंड इसके अलावा यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी है, ब्रिज भी ब्लास्ट होगा, उसके बाद वहां से एस्केप करेंगे अपने भाईजान। तो मतलब काफी तगड़ा एक्शन सीक्वेंस है ये वाला। इसके अलावा एक और बाइक चेस सीक्वेंस है मूवी के अंदर जो कि रूफ टॉप्स के अंदर हो रहा है, लिटरल छत पे बाइकें दौड़ रही है। एंड ये देख के पता नहीं क्यों मुझे लारा क्राफ्ट गेम की याद आ गई, बचपन में मैं जब खेला करता था तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो था उस गेम के अंदर भी, लेकिन इट लुक्स कूल। इन्हीं सब के साथ कैटरीना कैफ का एक हैमर वाला शॉट भी है जहाँ पे वो हैमर यूज कर रही है और देखने में बहुत सही लग रहा है। एंड मूवी के अंदर ये वाला एक्शन सीक्वेंस बहुत हिट करेगा अगर सही तरीके से पुल ऑफ किया होगा। लेकिन इन सबके अलावा अभी सबसे बड़े एक्शन सीक्वेंस की तो हमने बात नहीं करी, जहाँ पे सलमान भाई इस टावर के अंदर कूदते हैं और भाई यहाँ पे जहाँ पे घड़ियां वगैरह लगी हुई है यहाँ पे लड़ाई दंगे होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से सलमान भाई बिना पैराशूट के कूद जाएंगे। और तुम्हें क्या चाहिए? सलमान भाई बिना पैराशूट के कर रहे टावर से, और तुम्हें क्या रीजन चाहिए इस मूवी को देखने के लिए? मैं तो भाई बिक गया। अब इसके अलावा वीएफएक्स की भी बात कर ले तो देखो कई जगह पे नोटिसेबल जरूर है इस मूवी का वीएफएक्स, जैसे इस ब्रिज के दो तीन शॉट देख लो बहुत नोटिसेबल है, थोड़ा गेम वाली फीलिंग आने लगती है कहीं कहीं पे। एंड उसके अलावा तुम ये इसी ब्रिज के अंदर ये जो बाइक वाला शॉट है इसको देख लो, इस फ्रेम को फ्रीज करके देखो जरा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई लाइटनिंग का दिक्कत है यहाँ पे, लाइटनिंग ठीक से मैच नहीं हुई है इसलिए थोड़ा ऑफ लग रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इसे नोटिस ना करो, इजिली इग्नोर कर लो, हालांकि ये कोई इतना बड़ा एरर नहीं है, इसे इजिली इग्नोर किया जा सकता है, अगर कोई नॉर्मल ऑडियंस का बंदा देख रहा है तो शायद वो नोटिस भी ना करे। अब इस ट्रेलर के अंदर तुम्हें ऐसे ही दो तीन शॉट और देखने को मिल जाएंगे जिनका VFX और CGI थोड़ा बहुत ऑफ होगा, लेकिन फिर भी VFX स्टूडियोस ने बहुत रिमार्केबल काम किया इस ट्रेलर के अंदर एंड उनका काम दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अपने शॉट्स को प्रायोरिटाइज किया होगा, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये शॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इनको टाइम देंगे अपन, और ये शॉट तो ऐसे कि जल्दी जल्दी आगे स्क्रीन से निकल जाएंगे तो इन पे थोड़ा कम भी काम करेंगे तो चलेगा। अब जैसे कि तुम इस शॉट को देख लो, अगर ये शॉट ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट हुआ है जहां पे सलमान भाई स्लाइड कर रहे हैं, तो तुम इसके बैकग्राउंड पे जरा टेक्सचर देखो कितना ज्यादा रियल लग रहा है। अगर ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है तो लेजिट बनाया गया है, इससे बढ़िया काम आई डोंट थिंक कि कर सकते थे वो इफेक्ट्स में। लेकिन ये अगर एक सेट पीस है और इसे एक प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू अचीव किया गया है तो फिर कोई बात नहीं। एंड ऐसे ही दो तीन शॉट्स और तुम्हें देखने को मिल जाएंगे ट्रेलर के अंदर, जैसे कि तुम सलमान भाई का यहां से जंप करने वाला शॉट देख लो, ये टीजर में था, ट्रेलर में भी है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत सही तरीके से दिखाया गया है, फेक बिल्कुल भी नहीं लगता, लाइटनिंग बहुत सही तरीके से मैच की गई है, कंपोजिटिंग भी ऑन पॉइंट लगती है। और अब वीएफएक्स की बात हो ही रही है तो भाई तुम इस वाले शॉट को कैसे मिस कर सकते हो? अब अगर तुम्हें नहीं पता तो यहां पे ये सलमान भाई के जो पैर है ना
वो सीजी है और इन्हें बाद में कॉम्पोजिट किया गया और स्टिच किया गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये स्टंट भी किसी स्टंटमैन ने किया होगा। इन तीनों चीजों को कॉम्पोजिट करके ये वाला शॉट अचीव किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी तुम्हें एरर या कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, इतना ब्रिलियंटली ये काम किया उन्होंने। तो हाँ, फॉर श्योर वाईएफएक्स स्टूडियोज ने काफी अच्छा काम किया, अपने काम को लेवल अप किया है। स्पेशली जब आपकी पिछली मूवी पठान हो तो आप पठान का वीएफएक्स वर्क और इस मूवी का वीएफएक्स वर्क कंपेयर कर सकते हो, ना सही तो ट्रेलर ही कंपेयर कर लो दोनों मूवी का। इसके साथ इस ट्रेलर के अंदर अपने को इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ भी दिख जाता है, जो कि टीजर में नहीं दिखे। अब देखो, मेरे ओपिनियन में इन लोगों ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और अपने जॉनरा को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जो कि दिखता है। तो इन लोगों ने मेहनत तो काफी करी है, अब देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट किस तरीके से हुआ है। तो मेरे हिसाब से टाइगर 3 एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि इंडिया के अंदर स्पाई मूवीज को चेंज कर देगी, एक एवोल्यूशन लाएगी, और इस पॉइंट के बाद लोग जो है अपनी स्पाई मूवीज में भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे और कुछ कुछ नई चीजें ऐड करना शुरू कर देंगे, ताकि ऑडियंस को वो इररिलेवेंट ना लगे टाइम के साथ। बाकी ट्रेलर अपना काम कर जाता है, हाइप बनानी थी हाइप बना देता है, एक्साइटेड फील कराना था एक्साइटेड कर देता है मूवी से रिलेटेड। बाकी मूवी 12 नवंबर को रिलीज होने वाली है, तो तुम मूवी देखने जाओगे या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।